मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। भिवंडी के तालाब में एक लाश मिलने की खबर सामने आई है और सवाल उठ रहा है कि क्या इस व्यक्ति की हत्या की गई है या इसकी मौत किसी और वजह से हुई है। ये लाश भिवंडी शहर के वर्धा तालाब में आज वहां टहल रहे लोगों ने तैरते हुए देखा और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मचारियों ने तालाब से शव बाहर निकाला। अभी तक इस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है कि आखिर इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई। और इस तरफ से एक बजे हमको कॉल आया फायर कंट्रोल से, तुरंत हमने रेस्क्यू वैन निकाल के वराल तालाब पहुँच के वहाँ सीढ़ी के सहाय से नीचे उतर के और रस्सी के आधार से बॉडी को ऊपर निकाल के रख दी। बॉडी की लगभग क्या लगता है, कितनी उम्र होगी, क्या है से? अंदाज उम्र 40-45 की उम्र होगी अंदाजे। बॉडी सबको कुछ बरामद हुआ? आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं बरामद हुआ। मेरे को जानकारी मिली कुछ 4:30-11 बजे, तो मैं तुरंत फिर आपको फोन किया, नहीं चलिए फोन किया फायर ब्रिगेड को और पुलिस स्टेशन को। एक क्या मतलब, ये जो यहाँ पर जिस सुरक्षा को लेकर बात है कि आए दिन यहाँ पर महीने में हम कह सकते हैं कि बॉडी पर यहाँ महीने में कत बार मिलती है, क्या लगता है किसकी लापरवाही है? प्रशासन की लापरवाही। प्रशासन अगर यहाँ प्रशासन किस तरह की लापरवाही है? बहुत सालों से चल रहे हैं, ऐसे ही रहा है सब गिरिल कम से कम जाली मारी थे, लोग वहाँ पे जाएंगे नहीं पूरे तालाब में। अगर इतना गाड़ा और इतना करोड़ रुपए खर्चे करते तालाब के लिए, और पानी भी तुम देखते हो कि पानी पूरा हरा काला गिर रहा है, या ये ढूंढ से कुछ तो मंडे पट्टे में पानी लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे बॉडी गिरेगी। अंदर मछली खाते वही लोग, वही पब्लिक वो मछली खाती है, उनके मतलब उनके जीवन के उनके बॉडी से हानिकारक होगा फ्यूचर में जाके। इसका प्रशासन ध्यान देना मांगता है।